कस्बे वासियों को मिलेगा बोरवेल के पानी से छुटकारा, विधायक ने किया पीएचडी रावत सर का निरीक्षण। रावत सर कस्बे वासियों को अब पीएचडी विभाग द्वारा दी जा रही पेयजल सप्लाई में बोरवेल के पानी से छुटकारा जल्द ही मिलने वाला है। पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने आज पीएचडी रावत सर का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कस्बे में पेयजल सप्लाई की शिकायतों, लीकेज व बोरवेल का पानी सप्लाई सहित मुख्य नहर से डिग्गियों तक खुले नाले की समस्याओं पर अतिशीघ्र कार्य करते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक धर्मेंद्र मोची ने रावत सर कस्बे में बोरवेल के पानी सप्लाई की समस्या को जल्द से जल्द सही करने की बात पर जोर दिया। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन में नहरी पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान पालिका उपाध्यक्ष हेमंत पचार, पार्षद गुरजीत सिंह विडंग, संदीप बिहानी, सुखराम छिंपा, पूर्णराम बाबू, विक्रम सिंह, अंकुश पचार आदि मौजूद रहे। आईएन साहब हेमंत जी और जीएन साहब विकास जी को साथ लेकर के पूरा वाटरवर्क का निरीक्षण किया। तो जहाँ जिस प्रकार से जो समस्या है वो सबसे सबसे बड़ी बात है कि नहरबंदी के दौरान उन्होंने ट्यूबवेल से पानी देना तय किया था, चलो हमने भी स्वीकार किया, पर तो आज नहरबंदी खत्म हो गई तो उसके बाद भी ये लोग आमजन को प्रोडक्ट पानी दे रहे हैं, जिसके कारण से बीमारी फैल रही है और आम आदमी काफ़ी आदमियों के पेट में दर्द देने लगे हैं और पानी इतना नुकसान कर रहा है जिसके कारण से उसकी भरपाई होनी मुश्किल है। तो बार बार हमने टेलीफोन से बात की तो आज मुझे खुद विवश होकर के आना पड़ा। तो यहाँ जो देखा तो लगभग उस क्लोरीफाइल प्लांट का काम पूरा हो चुका है और बिजली फिटिंग भी उसकी हो गई है, अब वो बढ़े प्रदार है और एएन साहब ने हमें 2 दिन का मौका दिया है, पर हम कह रहे हैं कि 3 दिन बाद में रावसर की जनता को मीठा पानी फिर से मिल जाएगा और भविष्य में भी इनसे मैं ये भी कह दिया कि भविष्य में जब कोई आपात स्थिति हो तब आप हमें ये पानी जो धरातल का पानी दे रहे हो वो उस स्थिति में दो, अन्यथा नहर का पानी खूब आ रहा है, नहर वापिस शुरू हो गई है और आपके पास डिग्गियाँ भरी हुई है, इसलिए उसमें किसी प्रकार से मिलावट ना करें और मिलावट करोगे तो निश्चित रावसर की जनता जागेगी तो फिर आपकी दिक्कत आएगी। तभी उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपके बाद हम आपको मीठा पानी शुरू कर देंगे, 3 दिन बाद में रावसर में पूरे सब जगह मीठा पानी।